ओम शांति। संसार को सकास देना ये सबसे बड़ा पुण्य है, जिसके जीवन में बहुत विघ्न आते हों, वे 10 मिनट रोज संसार को सकास देने लगे, वाइब्रेशन देने लगे, इस पुण्य से पाप हल्के हो जाएंगे, विघ्न हट जाएंगे। कई तरीके हैं सकास देने के, 2 तरीके अब हम अपनाएंगे। इससे पहले कोई ये बात और सबके ख्यालों में हो, बाबा ने हम सभी के संकल्पों को, स्मृतियों को बहुत महान बनाया है और कहा तुम सभी पूर्वज हो, तुम कल्प वृक्ष की जड़ों में हो, जड़ें हो, तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की पूरे कल्प वृक्ष की कल्पना होती है। तो ध्यान दें, जड़ों के द्वारा भोजन पानी जाता है, हमारे द्वारा सृष्टि को शक्तियां, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, सुख भावनाएं सब पहुंचते हैं। ख्यालों में आ गया सबके, हमारी स्थिति केवल हमारे लिए नहीं संसार के लिए योगदान है। अगर हम बहुत खुशी में रहते हैं तो खुशी की तरंगें पूरे कल्प वृक्ष में रहती हैं। यदि हम बहुत पवित्र हो गए हैं तो पवित्रता का प्रकाश सारे धर्मों की आत्माओं तक पहुंचता है। यदि हम बहुत शक्तिशाली बनते हैं तो सभी आत्माओं को शक्तियों के वाइब्रेशन मिलते हैं, बल मिलता रहता है। ये बहुत बड़ी सेवा है, इसको करने का सभी को ध्यान रखना है। क्लियर है? क्लियर है? सबको पता है, इससे बड़ा काम चारों युगों में कभी नहीं कोई जानता न करता। इसलिए राधा ने कहा तुम पूर्वज हो। दूसरी बात भी ध्यान से सुन लेंगे, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका बल भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है।